अगर तुम भी अपनी फैमिली के लिए पागल हो, अपनी बेटी के लिए पागल हो, अपने बच्चे के लिए पागल हो तो तुम महाराजा हो। हेलो नमस्ते, मैं कंचन छपड़ा बिहार से और मैं बात कर रहा हूँ महाराजा मूवी की। क्या मूवी है? एक तरफ विजय सेतुपति है महाराजा और दूसरी तरफ अनुराग कश्यप सेल्वम, बाकी के करेक्टर तुम हो जाओ। चलो एक है जो सिंगाम पुली, ये तो सला ऐसा लगा ना कि इसके अंदर घुस के मैं मारूँ। मैं तुमको बताऊंगा कि मैं क्यों इतना गुस्सा हूँ कि 50 साल के एक बुढ़े को ऐसे कुकर्म करने का घिन आ गया। पर आज भी हमारे देश में कहीं ना कहीं पे होता है। तो चलो शुरू से बात करते हैं अंत तक, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले महाराजा जिसकी एक बेटी एक पत्नी है, शुरू से करते हैं बात। और वो उससे क्या बोलते हैं, बार्बर है, नाई है, हजामत बनाता है और वो पंक्चुअल ना भी है तो अपने परिवार के लिए पागल है, जस्ट लाइक मैड फॉर फैमिली। एंड जो सेल्वम है वो भी अपने फैमिली के लिए पागल है, उसके फैमिली में एक बीबी है और एक बेटी है, वो भी अपने फैमिली के लिए पागल है। तो जो महाराजा है वो अपनी बेटी को सारी खुशी देना चाहता है, चाहे जैसे स्पोर्ट्स वाली, बड़े बड़े कॉलेज वगैरह। और वहीं सेल्वम जो है वो भी अपनी बेटी को हर खुशी देना चाहता है, चाहे वो गरीब है चाहे कुछ भी हो। लेकिन फ़र्क ये है कि एक तरफ महाराजा है जो महाराजा वाला काम करती है, यानी कि वो बार्बर तो है पर काम ईमानदारी करता है, और दूसरी तरफ सेल्वम वो दुकान तो चलाता है पर काम हरामी करता है। यही अंतर है कि एक हरामी से अपनी बेटी को खुशी देना चाहता है और एक ईमानदारी से अपनी बेटी को खुशी देना चाहता है। बाकी तुम मूवी में देखना है कि वो खुशी कैसे दे जाता है, लेकिन मैं तुमको बता दूं कि जो महाराजा है वो अपनी बेटी के लिए बहुत पागल है, इतना पागल है कि पुलिस से भी जाता है कि तुम उससे माफ़ी मांगो, माफ़ी नहीं मांगते हैं तो अर जाता है, भले पिटते हैं तो पिटता है। लेकिन एक चीज़ मुझे अजीब लगा कि इतना छोटे छोटे काम दिया गया कैरेक्टर को, महाराजा जो कैरेक्टर का कैरेक्टर है विजय सेतुपति की, उसको चाय पिलाओ, गाड़ी साफ करो, पुलिस वाले इतने टॉर्चर करते हैं क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जो एक कचरे का डब्बा है उसे ढूंढने के लिए। वैसे उसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, तुम मूवी में देखोगे तो तुम जानोगे कि आखिर ये स्टोरी कहाँ से उनकर गया। लेकिन इतना तो है कि भैया आज भी हमारे देश में लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है, और ये मूवी वही बताती है कि आज भी चोरी होता है कहीं पे। तो बहुत से जगहों पे सिर्फ चोरी नहीं होता है, कहीं पे जाके आपका दिमाग भटक जाता है, और जिससे 52, 50, 60 के जो बूढ़े भी होते हैं उनका भी इस उम्र में दया नहीं आती और वो दया नहीं दिखाते हैं महाराजा की बेटी पे। तो कहानी बहुत सिंपल सी है कि अपनी बेटी को खुशी देना है, चाहे वो सेल्वम हो या महाराजा हो, पर खुशी देने का तरीका अलग है। कोई खुशी मेहनत से देना चाहता है और कोई खुशी चोरी चकारी दूसरे तरीके से, बहुत शॉर्ट तरीके से देना चाहता है। बाकी क्रेजी तो दोनों है। एक कचरे के डब्बे के लिए कोई मार क्यों करेगा? हर कोई थोड़ा सा आश्चर्य है कि एक कचरे के डब्बे के लिए ये बार बार कंप्लेन कर रहा है, बार बार दौड़ रहा है, बार बार 7 लाख रुपये देने के लिए तैयार है, तो उस कचरे के डिब्बे में आखिर क्या है? पर भैया तुम मूवी देखोगे तो जानोगे कि वो कचरा का डब्बा नहीं, वो किसी और की तलाश में। और जब मिल जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। और जो सेल्वम है उसने जिसके साथ करवाया था वो काम उसकी बेटी है। तो यार तुम सोचो ना कि कोई गंदा काम करवा रहा है और वो उसकी बेटी है, भले उसको मालूम नहीं है कि वो उसकी बेटी है पर उसकी बेटी है, इतना घिन आता है यार। लेकिन जब रोते हैं ना अनुराग कश्यप जी, जो खुद बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, तो अजीब लगता है कि यार ये अनुराग कश्यप जी हैं और इनका विलन वाला रोल OMG, इट्स लाइक वाओ यार, उनसे अच्छा तो कोई विलन कर ही नहीं सकता। इस मूवी की मैं बात करूँ कि वो कितना सिंपल लगता है लेकिन वो अंदर से बहुत खतरनाक है। वैसे विजय महाराजा बहुत तो शांत सा बंदा है पर अंदर से वो भी शांत है, बस अपनी फैमिली, वो तो हर किसी के अंदर होता है कि हमारे अंदर एक जानवर है, बस उसे जगाने की ज़रूरत है, और वो जगेगा कब? जब हमारी फैमिली पे कुछ आफत आएगी तब। वैसे ही महाराजा की भी जागती है पर बहुत कम जागता है, पर जो सेल्वम है वो तो भैया दरिंदा है, ऐसा बोल सकते हैं। वो बेटी के लिए पागल है पर दूसरों के बेटी के लिए पागल नहीं है, दूसरों के बेटी के लिए वो दरिंदा है। बाकी की तुम मूवी में देखना और यार तुम रोओगे, जो रोओगे कि इस मूवी में क्यों रुलाया गया है। एंड कचरे के डिब्बा के लिए इतना परेशान तुम हो, किसी को करते नहीं दोगे। बाकी तुमको कैसा लगा बताओ।